अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ पेपाल के अबाउट। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर पेपाल बनाना नामुमकिन है, राइट? क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान पेपाल की सर्विस पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है और आप पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ों से पेपाल नहीं बना सकते। अब नॉर्मली होता क्या है मार्केट के अंदर कि बहुत सारे पेपाल जो सेलर हैं वो पेपाल बना के बेच रहे होते हैं। तो बेसिकली वो करते क्या है कि किसी और की आइडेंटिटी, जो कि आइडेंटिटी थेफ्ट के ज़ुमरे में आती है, उसको चुरा के उसके ऊपर पेपाल बना के और वो आपको दे देते हैं, राइट? तो वो कभी भी बंद हो सकता है और आपकी पेमेंट जो है वो ज़ाया हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे मसले आप लोगों को उसके अंदर फेस करने पड़ सकते हैं और इसी तरह से और किसी तरह के लीगल जो इश्यूज हैं वो भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बट आप लोगों की प्रॉब्लम ये भी है कि क्लाइंट जो है वो सम टाइम आपको पेपाल में ही पेमेंट करना चाह रहा होता है क्योंकि उसके पास और कोई कन्वीनियंट वे नहीं होता। तो फिर इस केस के अंदर आप क्या करेंगे? आप ढूंढ रहे होते हैं एक्सचेंजर जो कि सम टाइम फ्रॉड भी निकल आता है और आपकी पेमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ का जो मोस्ट कन्वीनियंट वे है वो ये है कि आप अपना पेपाल क्रिएट करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपना पेपाल क्रिएट करना एक नामुमकिन सी बात है। तो किस तरह से हम अपना पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर? तो ऑथेंटिक जो है चीज़ वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और करंटली आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से पेपाल यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपल, पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली चीज़ों को मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने करना ये है कि आपका कोई भी रिलेटिव बाहर के कंट्री रहता है, दुबई, यूएई, या फिर सऊदीया या फिर किसी भी और कंट्री के अंदर, तो सिंपल आप लोगों ने क्या कहना है, उनको कहना है कि आप एक अकाउंट बना दें पेपाल का। तो सिंपल वो आपका पेपाल का अकाउंट बना देंगे, मतलब अपने ही नाम पे, उनके आइडेंटिटी के ऊपर, उनके पासपोर्ट के ऊपर सारा कुछ एक अकाउंट बन गया। अब क्या कर सकते हैं, उस पेपाल अकाउंट को आप पाकिस्तान के अंदर विदाउट एनी इशू किसी वीपीएन को यूज़ किए बिना आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं वो पेपाल। मैं पिछले 6 से 7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मेरी पेमेंट्स आ रही हैं, जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, स्मूथ चल रहा है। तो चलें लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से मेरा पेपाल चल रहा है, और इसके साथ साथ ही कुछ एक दो चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा जो कि ज़रूरी हैं। उसके अंदर पहली चीज़ यह है टू स्टेप वेरीफिकेशन। आप लोगों को क्या करना है कि टू स्टेप वेरीफिकेशन अपने पेपाल के अंदर लाजमी ऐड कर लेनी है। अब टू स्टेप वेरीफिकेशन कौन सी वाली ऐड करनी है, उसके अंदर आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर एक ऑथेंटिकेटर ऐप करनी पड़ेगी, जो है गूगल ऑथेंटिकेटर, वो ऐप इंस्टॉल कर लें और उस ऐप के ज़रिए टू स्टेप वेरीफिकेशन लगा लें पेपाल के ऊपर। अब जब भी आप पेपाल लॉगिन करेंगे तो वो आपसे कोड मांगेगा और उस टू स्टेप वेरीफिकेशन जो आपने गूगल ऑथेंटिकेटर से ऐड की हुई है वहाँ से कोड देख के आप वहाँ पर डाल सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बार बार जब भी आप पेपाल लॉगिन करेंगे तो हमेशा कोड जाता है उस पर्सन के नंबर के ऊपर, राइट? जैसे यूके के अंदर कोई शख्स बैठा है जिसका पेपाल आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर यूएई के अंदर, तो आपको बार बार वो कोड लेना पड़ता है, उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि आप उनको भी परेशान नहीं करोगे और गूगल ऑथेंटिकेटर से यहीं पर बैठ के आपको टू स्टेप कोड मिल जाएगा और आप वो ऐड करके अपना पेपाल स्मूथली यूज़ कर सकते हो, राइट? तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टू स्टेप वेरीफिकेशन गूगल ऑथेंटिकेटर किस तरह से सेटअप करना है। तो यहाँ पे देखें, ये पेपाल है मेरा, राइट, जो कि बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। यहाँ पे पेमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ उनको, परचेजेस के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, किसी और पेपाल में मुझे भेजना है तो नॉर्मली यहाँ पे मैं मंगवा लेता हूँ, उसके बाद जब मेरा फंड इकट्ठा हो जाता है फिर मैं उसको सेल कर देता हूँ किसी भी पर्सन को या बैंक में विड्रॉ कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो दोनों ऑप्शंस मुझे मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि सेटिंग्स के अंदर आना है, सिंपल यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना और यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मौजूद है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। मोबाइल के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, वो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को एक क्यूआर कोड मिलेगा, सिंपल आपने उस एप्लीकेशन से ये क्यूआर कोड जो है स्कैन कर लेना है, सिंपल इतना सा काम करना और उसके बाद आप लोगों के पास वहाँ पे कोड्स आना शुरू हो जाएंगे। जब भी आप नेक्स्ट लॉगिन करोगे तो क्या होगा कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर से कोड लोगे और यहाँ पे ऐड करके अपना पेपाल अकाउंट लॉगिन कर लोगे। अब यहाँ पे देखें, मैंने किसी तरह का कोई वीपीएन यूज़ नहीं किया हुआ, यहाँ पे देखें ये ऑफ है, इसी तरह यहाँ पे एक और वीपीएन है जो कि है सर्फ शार्क, ये भी देखें ऑफ है, ये मैं यूज़ नहीं कर रहा, राइट? तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप कि विदाउट एनी वीपीएन, विदाउट एनी इशू आप स्मूथली अपना पेपाल बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, इशू है आपको पेपाल
नहीं आपका सही चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आपके कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का हेल्प ज़रूर करूंगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा। इसके साथ साथ ही आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो उनको देख के उनके ऊपर वीडियो डेडिकेटेड बनाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें डे बाई डे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग लाइफ।